हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और आप सभी का स्वागत है ट्विंस बेबी मम्मा डॉट कॉम चैनल पर। मैंने अपना एक वीडियो शेयर किया था आपके साथ FHR को लेके, जिसमें मैंने बहुत ही क्लियर समझाया था FHR जो होती है वो कम या ज्यादा क्यों होती है, और मैंने ये भी बताया था कि क्या इसका कोई कनेक्शन होता है बेटा या बेटी, और साथ ही में मैंने अपने ट्विंस बेबी बॉय की हार्ट रेट भी उसमें शेयर की थी। तो बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम आपके बेबी बॉय की हार्ट रेट क्या है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ऊपर मैं कार्ड पे भी लगा दूंगी, आप उसको एक बार जरूर देखिए, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैंने ये भी क्लियर किया था कि हमारा जब डिलीवरी का टाइम आता है तो बेबी की जो हार्ट रेट होती है वो 160 के आसपास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा घातक होती है बेबी के लिए। उसके बाद में मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम मेरे हार्ट रेट बेबी की 170 शो कर रही है, कोई कह रहा है 130 शो कर रही है। तो आज मैं आपको ये बिल्कुल डाउट क्लियर करने वाली हूँ कि 170 या 130 जो है वो कौन से सप्ते में बेबी की हार्ट रेट होनी चाहिए, कौन से सप्ते में नहीं होनी चाहिए। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेबी की जो हार्ट रेट है वो कौन से सप्ते में आ जाती है। ठीक है, तो बेबी की जो हार्ट रेट है वो पांचवें सप्ते में आ जाती है, मतलब अगर आप पांचवें सप्ते में अल्ट्रासाउंड करवाती है तो बेबी की हार्ट रेट शो करना स्टार्ट हो जाती है। अगर आपके पांचवें सप्ते में बेबी की हार्ट रेट नहीं आती है तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको छठवें सप्ते तक का इंतजार करना है। अगर छठवां सप्ताह पूरा होने के बाद भी बेबी की हार्ट रेट नहीं शो कर रही है तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपका जब पीरियड मिस हुआ था तब से लेकर के आपको क्लियर 6 सप्ते हुए भी हैं या नहीं। आप कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आपकी डेट थी वो डेट आप कंफ्यूज हो गए हो या फिर भूल गए हो, या हो सकता है जिस सप्ते को आप छठवां सप्ताह समझ रही हो तो अभी तक आपके पांच ही सप्ते क्लियर हुए हो। तो सबसे पहले आपको इन चीजों पे भी ध्यान देना होगा। और दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है कि जो आपका ओव्यूलेशन का जो टाइम होता है, मतलब जिस समय आप प्रेगनेंसी कंसीव करती है, वो भी कभी कभी आगे पीछे हो जाता है, जिस वजह से भी जो है बेबी की जो हार्ट रेट है वो थोड़ा आगे पीछे हो जाती है। और जब भी आप पहला अल्ट्रासाउंड करवाने जाएं तो आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि उस समय डॉक्टर आपसे जरूर पूछते हैं कि जो आपका लास्ट पीरियड आया था वो कौन सी डेट को आया था। तो आप अपने लास्ट पीरियड की जो डेट होती है उसको जरूर ध्यान रखें, ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि आपका चौथा सप्ताह चल रहा है या पांचवा सप्ताह चल रहा है या छठवां। ठीक है, इससे आपको जो है बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। सबसे पहले आपको अपने ऊपर जरूर ध्यान देना है। कभी कभी जब आपको छठवें सप्ते में बेबी की हार्ट रेट नहीं सुनाई पड़ती है तो इसका एक रीजन और होता है, वो होता है गर्भवती महिला का शरीर। कभी कभी क्या होता है कि जो गर्भाशय होता है कुछ महिलाओं का पीछे की ओर होता है, जिस वजह से जब हमारा अल्ट्रासाउंड होता है तो अच्छे से बेबी की धड़कन क्लियर नहीं हो पाती है। और दूसरी चीज, कुछ महिलाओं का अगर पेट पहले से बहुत ज्यादा निकला रहता है उसके बाद वो प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो इस सिचुएशन में भी काफी दिक्कत होती है, बेबी की हार्ट रेट आसानी से पता नहीं चलती है। तो अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है छठवें सप्ते में तो आपको जो है डॉक्टर बिल्कुल क्लियर कर देंगे, आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको अपने डॉक्टर से जरूर पूछना है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर डॉक्टर कहते हैं ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। कभी कभी जो अल्ट्रासाउंड का टाइप होता है उसकी वजह से भी जो है दिल की धड़कन कभी कभी बहुत लेट क्लियर होती है, क्योंकि पेट का जो अल्ट्रासाउंड होता है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता है। तो कभी कभी आपने देखा भी होगा कि डॉक्टर को बहुत देर तक जो है मशीन जो पेट पे रख के अल्ट्रासाउंड करते हैं उनको काफी देर तक सर्च करना पड़ता है, काफी देर तक रखना पड़ता है, दबा दबा के ट्राई करते हैं, तो कभी कभी बेबी की हार्ट रेट ढूंढने में उनको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो ये सब एक नॉर्मल समस्या होती है, मेरे साथ भी हुआ था, तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। और अब मैं आपकी सबसे बड़ी टेंशन दूर करने वाली हूँ, अब मैं आपको क्लियर बता रही हूँ कि कौन से सप्ते में बेबी की हार्ट रेट कितनी होनी चाहिए। आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पांचवें सप्ते से छठवें सप्ते तक। तो अगर आप पहला अल्ट्रासाउंड करवाती हैं और आपका पांचवां से लेकर के छठवां सप्ताह होता है तो उस समय जो बेबी की हार्ट रेट होती है वो 120 से लेकर के 160 के बीच में रहती है। अगर आप 9 से 10 सप्ते के बीच में अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो उस समय जो बेबी की हार्ट रेट शो करेगी वो 170 BPM के आसपास होगी। अगर आप 14वें सप्ते में अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो उस समय जो बेबी की हार्ट रेट होगी वो 150 के आसपास शो करती है। और अगर आप 20वें सप्ते में अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो उस समय जो बेबी की हार्ट रेट होगी वो 140 के आसपास शो करती है। और अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो बेबी की हार्ट रेट होती है, जैसे आपका टाइम पूरा हो गया, आपका डिलीवरी का टाइम आने वाला है, तो उस समय जो आपकी बेबी की नॉर्मल हार्ट रेट होती है वो 130 होनी चाहिए, ना ही 130 से बहुत ऊपर जानी चाहिए, ना ही 130 से नीचे जानी चाहिए। इसीलिए मैंने उस वीडियो में बोला था कि मेरा डिलीवरी का जब टाइम आ गया था तो उस समय मेरी भी जो बेबी की हार्ट रेट थी वो 157 और 155 के आसपास थी, जिस वजह से मुझको जो है इमरजेंसी में सी सेक्शन करवाना पड़ा था, और मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी थी जिसमें मेरे बेबी बॉय हुए थे। और आपको एक बात और बता दूं, जो बेबी की हार्ट रेट होती है वो हर सप्ते 22 बदलती रहती है, जैसा कि आपको मैंने बताया, तो आप समझ सकते हैं। तो अब आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिस तरीके से मैंने आपको सप्ते 22 बताया है। तो जब भी आप अल्ट्रासाउंड करवाएं सबसे पहले आप क्लियर करें कि आपके कितने सप्ते हो चुके हैं, उसके बाद में आपको जो मैंने हार्ट रेट बताई है अगर वो शो करती है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है।
आई होप कि अब आपका काफी हद तक डाउट दूर हो गया होगा। बेबी की जो हार्ट रेट है वो 170 या 130 या 140 क्यों बदलती रहती है, इसका क्या रीजन होता है। बेबी जैसे जैसे ग्रोथ करता है वैसे वैसे उसकी हार्ट रेट भी चेंज होती रहती है, ठीक है। अभी भी अगर आपके मन में कोई हार्ट रेट को लेकर डाउट है तो आप मुझसे जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।